बड़े पर्दे के कलाकारों की तरह ही छोटे पर्दे के कलाकारों की अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग होती है। किसी खास किरदार को निभाते निभाते वही किरदार उनकी पहचान बन जाती है। वेल दोस्तों, इतना ही नहीं, फैंस भी उन्हें उनके किरदार के नाम से ही जानने लग जाते हैं। लेकिन एक वक्त के बाद कलाकार खुद को उस किरदार से बाहर निकालकर कुछ नया करने की इच्छा भी रखते हैं। वर्तमान समय में खुद को एक्सप्लोर करने के ऑप्शन की कोई कमी नहीं है। वेल, आम लोगों से लेकर टीवी सेलेब्स इन ऑप्शन का लाभ उठा रहे हैं। इन्हीं में से एक है यूट्यूब। गूगल के बाद यूट्यूब सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है। शायद यही कारण है कि बहुत से टीवी सेलेब्स छोटे पर्दे पर एक्टिंग करने से ज्यादा यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए, आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में कुछ ऐसे ही टीवी सेलेब्स के बारे में बता रहे हैं जो कि यूट्यूब पर अधिक एक्टिव रहते हैं। वेल दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एरिका फर्नांडिस के बारे में। कई टीवी सीरियल्स में नजर आ चुकी एरिका फर्नांडिस की टीवी स्क्रीन पर उपस्थिति एक अलग ही जादू बिखेरती है। वो आखिरी बार साल 2021 में सीरियल कुछ है रंग के प्यार के ऐसे में भी नजर आई थी। एरिका छोटे पर्दे से भले ही दूर हो, लेकिन यूट्यूब पर वो काफी एक्टिव रहती है। उनका खुद का यूट्यूब चैनल है जिस पर ब्यूटी, हेयर और मेकअप से जुड़े ब्लॉग्स वो शेयर करती रहती है। वेल दोस्तों, को बता दें कि एरिका फर्नांडिस के यूट्यूब चैनल पर 1.49 मिलियन सब्सक्राइबर है। तो भैया, बात करते हैं जन्नत जुबैर के बारे में। जन्नत जुबैर को आपने फुलवा और तू है आशिकी जैसे सीरियल्स में देखा ही होगा। वर्तमान वो फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में काम कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, उसके अलावा जन्नत जुबैर का खुद का यूट्यूब चैनल भी है जिस पर वो अपने ट्रैवल और अवार्ड शो से जुड़े ब्लॉग शेयर करती रहती हैं। इसके अलावा उनके द्वारा बनाए गए शॉर्ट्स को भी फैंस काफ़ी ज़्यादा पसंद करते रहते हैं। वेल, जन्नत की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्तमान में उनके चैनल के सब्सक्राइबर 3.45 मिलियन हैं। तो वही बात करते टीवी एक्ट्रेस अवनीत कौर के बारे में। अवनीत कौर लंबे समय से छोटी स्क्रीन से गायब है। वो आखिरी बार सीरियल अलादीन नाम तो सुना ही होगा में नजर आई थी, जिसमें उनके किरदार को दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। भले ही अवनीत अब सीरियल में काम ना करती हो, लेकिन फिर भी वो यूट्यूब पर काफी एक्टिव रहती हैं। इस यूट्यूब चैनल पर अवनीत अपनी लाइफ से जुड़ी वीडियो शेयर करती रहती हैं। अवनीत कौर के चैनल के सब्सक्राइबर की संख्या 1.66 मिलियन है। तो वह बात करते हैं अनुष्का सेन के बारे में। वह अनुष्का सेन को बालवीर और झांसी की रानी जैसे सीरियल्स में बहुत ज़्यादा अधिक पॉपुलैरिटी मिली थी। इसके अलावा साल 2021 में रियलिटी शो फियर फैक्टर में उनका प्रेजेंस को दर्शकों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। इस रियलिटी शो के बाद अनुष्का किसी सीरियल में नजर नहीं आई, लेकिन यूट्यूब पर वो अपने चैनल पर वीडियोस पोस्ट करना कभी नहीं भूलती हैं। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि अनुष्का सेन के चैनल के सब्सक्राइबर की संख्या 2.61 मिलियन है। तो भैया, बात करते हैं टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ के बारे में। दीपिका कक्कड़ को ज्यादातर लोग सिमर के नाम से जानते हैं क्योंकि उन्होंने ससुराल सिमर का सीरियल में सिमर की भूमिका निभाई थी। लेकिन शादी के बाद उन्होंने टीवी स्क्रीन से अपनी प्रेजेंस काफी कम कर दी है। फिलहाल वो यूट्यूब पर काफी एक्टिव रहती हैं और उनके चैनल का नाम द दीपिका की दुनिया है। यूं तो इस चैनल में कई तरह की वीडियोस पोस्ट करती रहती हैं, लेकिन उनके अधिकतर पोस्ट कुकिंग से जुड़े हुए होती हैं। वेल दोस्तों, को बता दें कि दीपिका के चैनल के सब्सक्राइबर की संख्या 2.96 मिलियन है। तो आपने किस टीवी सेलेब्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है या फिर सब्सक्राइब करने का मन बना रहे हैं? वेल, हमें इस वीडियो में बताना बिल्कुल भी ना भूले। अंधविश्वास से जुड़ी कई मान्यता होती हैं जिन पर अधिकतर लोग यकीन करते हैं। भारत में हमेशा से ही ऐसी बातों पर यकीन किया जाता रहा है। अधिकतर लोग सफलता या फिर डर के कारण कई सारे रिवाज भी फॉलो करने लग जाते हैं। जहाँ तक सफलता की बात हो तो हमारे बॉलीवुड स्टार्स भी कभी पीछे नहीं रहते हैं। वेल, अपनी फिल्मों की सफलता और खुशहाली के लिए वो अलग अलग चीजें करते हैं। तो चलिए, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं बॉलीवुड स्टार्स के कुछ ऐसे सुपरस्टिशंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अमिताभ बच्चन के बारे में। अमिताभ बच्चन जी बहुत सारे रीति रिवाजों को मानते हैं और यहाँ बात धर्म या कर्म की नहीं हो रही बल्कि क्रिकेट की हो रही है। अमिताभ बच्चन क्रिकेट का लाइव मैच नहीं देखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे इंडिया मैच हार जाएगी। इसका खुलासा उन्होंने साल 2019 में कौन बनेगा करोड़पति के एक एपिसोड में किया था। तो वही बात करते हैं अब सलमान खान के बारे में। हमारे सल्लू भाई अपने ट्रेडमार्क ब्रेसलेट के बिना कहीं नहीं जाते हैं और उस ब्रेसलेट को हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं। वह सलमान के पिता सलीम खान हमेशा इसे पहनते थे और उन्होंने ही ऐसा ब्रेसलेट सलमान खान को बनवा कर दिया था। इसका पत्थर फिरोजा कहलाता है जो कि जीवन में नेगेटिविटी को खत्म करता है। तो ये बात करते हैं दीपिका पादुकोण के बारे में। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का मानना है कि अगर वो किसी फिल्मों की रिलीज से पहले सिद्धिविनायक मंदिर जाती है तो उनकी फिल्में हमेशा हिट हो जाती है। तो वही बात करते हैं बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन के बारे में। वेल दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन अपने काम को लेकर हमेशा ही जाने जाते हैं और वो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट से रहते हैं। ऋतिक रोशन अपने एक्स्ट्रा अंगूठे को लकी मानते हैं और वो फिल्मों से लेकर इवेंट्स तक इन सभी को फ्लॉन्ट करते रहते हैं।
वाला बात करते हैं शाहरुख खान के बारे में। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की अगर बात करें तो उन्हें नंबर 555 से बेहद ज्यादा प्यार है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इस नंबर पर वो बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और उनकी सभी गाड़ियों के नंबर प्लेट पर भी ऐसा ही है। तो भैया बात करते हैं रणबीर कपूर के बारे में। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की बात करें तो नंबर 8 को वो अपना लकी नंबर मानते हैं। आलिया भट्ट के शादी के कलेरे से लेकर गाड़ी के नंबर प्लेट तक नंबर 8 की बहुत ज्यादा अहमियत है। इसे वो इन्फिनिटी साइन के हिसाब से भी देखते हैं। तो वही अब बात करते हैं बिपाशा बासु के बारे में। हॉट एंड टैलेंटेड एक्ट्रेस बिपाशा बासु को बुरी नजर से बचने के लिए इविल आई का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा पसंद है। वो शनिवार के दिन अपनी गाड़ी में नींबू मिर्ची लगाना का रिवाज भी फॉलो करती रहती हैं। तो वही अब बात करते हैं बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के बारे में। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा भी क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन है और उनके पास अपनी क्रिकेट टीम भी है। वो जब भी क्रिकेट ग्राउंड पर जाती है तो अपनी कलाई पर दो घड़ियां पहनती है। इतना ही नहीं, जब दूसरी टीम बैटिंग कर रही होती है तो वो बैठते समय अपने पैरों को क्रॉस कर लेती है और जब उनकी खुद की टीम होती है तो वो अपने पैरों को खोल देती है। तो वही बात करते हैं बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के बारे में। रिपोर्ट के अनुसार अक्षय कुमार अपनी फीस हमेशा कुछ ऐसे सेट करते हैं जिनका जोड़कर नंबर 9 बने। साथ ही साथ वो किसी भी खाली शीट पर उ बनाए बिना कुछ नहीं लिखते हैं। तो वही बात करते हैं बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के बारे में। रणवीर सिंह किसी समय बहुत बीमार पड़ा करते थे और उनकी मां ने उनके पैर में काला धागा बांधा था। रणवीर के मुताबिक वो काला धागा उन्हें बचाने के लिए बहुत जरूरी है। वेल, इसके बारे में जानकर आपको दोस्तों कैसा लगा, आपकी क्या अंधविश्वास है कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले। रिश्ते हमेशा एक साथ बांध कर रखते हैं। परिवार हमारे जीवन में सबसे अनमोल चीज है, लेकिन कई बार इन्हीं रिश्तों में कई चीजों को लेकर अनबन शुरू हो जाती है जिसके कारण हम अपने माता पिता या भाई बहन से दूर होने लग जाते हैं। कई बार तो लोग अपने रिश्ते को ही तोड़ देते हैं, हालांकि इसके पीछे सबके अपने अपने कारण होते हैं। ऐसे में आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले उन सितारों के बारे में जिनके उनके माता पिता से रिश्ते ही खटास हो रहे हैं। चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे सितारे। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा के बारे में। बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा आज भी लाखों दिलों पर राज करती हैं। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि उनका जीवन हमेशा से विवादों में से घिरा रहा है। वेल, पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशन, वो हमेशा चर्चा का विषय रही हैं। रेखा को भी अपने पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। रेखा ने खुद एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था, वो कभी भी फिल्में नहीं करना चाहती थी, लेकिन घर के हालात देख उन्हें इस इंडस्ट्री में काम करना पड़ गया, जिसके लिए उनकी माँ और रेखा ने खूब मेहनत की है। जबकि उनके पिता जेमिनी गणेशन चाहते थे कि उन्हें आसानी से काम दिला सकते थे क्योंकि वो तमिल इंडस्ट्री में काफी फेमस थे। शायद यही कारण है कि वो अपने पिता से नफरत करती हैं। यहाँ तक कि रेखा अपने पिता के अंतिम संस्कार तक में शामिल नहीं हुई थी। तो वही अब बात करते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल के बारे में। अमीषा पटेल भी इस लिस्ट में शामिल है। उनके भी अपने पेरेंट्स से रिश्ते अच्छे नहीं थे। उनके माता पिता उनके काम से खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि अमीषा शादी करे, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती थी, जिसके कारण उनके घर में बहुत ज्यादा झगड़े भी होने लग गए थे। अपने शुरुआती करियर में अमीषा पटेल विक्रम भट्ट को डेट कर रही थी। इसी दौरान उनके रिश्ते और खराब होने लगे। एक बार अमीषा ने इस बात का खुलासा किया था कि उनके पेरेंट्स उनके पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने अपने पिता पर करोड़ों का मुकदमा भी दायर कर दिया था। तो वही अब बात करते हैं मल्लिका शेरावत के बारे में। रिया लांबे यानी कि मल्लिका शेरावत ने अपने पिता के साथ रिश्ते में हमेशा से अनबन रही हैं। इसका कारण उनके ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का फैसला था, जिसके बाद उनके पिता ने उनसे रिश्ता ही खत्म कर लिया था, क्योंकि वो हरियाणा के एक छोटे से परिवार से ताल्लुक रखती है जहाँ लड़कियों को काम करने से मनाही है। तो वही अब बात करते हैं सुवरीन चावला के बारे में। टीवी के जानी मानी हस्ती सुवरीन चावला के संबंध भी उनकी फैमिली से कुछ खास नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली के खिलाफ बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा। इसका कारण हेट स्टोरी में उनका डेब्यू था। इस पर उनके परिवार के करीबी सदस्य ने कहा था कि उनके पेरेंट्स काफी रूढ़िवादी सोच के हैं और फिल्म में उनके एक्सपोजर के कारण वो हैरान थे। तो वही अब बात करते हैं बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर के बारे में। रणबीर कपूर आज इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। हालांकि उनके और ऋषि कपूर के रिश्ते के बारे में तो हम सभी जानते हैं। खुद रणबीर कपूर ने भी ये बात कही थी कि जब मैं छोटा था तो मेरे पापा के बीच खूब लड़ाई होती थी, जिसे देख मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता था। यही नहीं, जब वो कटरीना कैफ के साथ रिलेशनशिप में थे तब रणबीर अपने घर नहीं रहते थे। ऋषि जी ने ये बात कही थी कि वो परेशान रहते हैं क्योंकि रणबीर और वो दोस्त नहीं थे। वो रणबीर के साथ अपने खराब रिश्ते पर कई बार बात भी कर चुके हैं।
वेल दोस्तों आपको बता दें कि आम लोगों की तरह बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की भी उनके फैमिली के साथ कुछ खास रिश्ते नहीं रहे हैं। तो दोस्तों इसको लेकर क्या है आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले। मॉडलिंग और एक्टिंग में करियर बनाने के लिए हाइट और पर्सनालिटी का होना बेहद ज्यादा जरूरी है। फिल्म और टीवी सीरियल में पतली लड़कियों को आसानी से काम मिल जाता है, तो वही कर्वी एक्ट्रेस के लिए इंडस्ट्री में काम करना किसी चुनौती से कम नहीं होता है। ऐसे में उनका वजन उनके लिए मुसीबत बन जाता है। टीवी और फिल्म एक्ट्रेस को हमेशा फिट और स्लिम रहना होता है। अगर उनका वजन थोड़ा भी बढ़ जाता है तो इससे उनका करियर काफी हद तक प्रभावित होता है। अगर उनका वजन थोड़ा भी बढ़ जाता है तो इससे उनके करियर को काफी ज्यादा हद तक प्रभावित होता है। तो वही कितनी एक्ट्रेसेस को वजन बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री को छोड़ना पड़ जाता है क्योंकि मोटापे की वजह से काम मिलना बंद हो जाता है। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं उन एक्ट्रेसेस के बारे में जिनका मोटापे की वजह से करियर बर्बाद हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं रीना रॉय के बारे में। 80 के दशक के टॉप एक्ट्रेस रीना रॉय अपनी खूबसूरती और शानदार अभिनय के लिए काफी जानी जाती हैं। उनके करियर में एक समय ऐसा आया जब उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया। वजन बढ़ने की वजह से उनको काम मिलने बंद हो गए। इस कारण एक्ट्रेस ने खुद को घर में बंद भी कर लिया। हालांकि उन्होंने फिल्मों में वापसी की थी लेकिन मोटापे की वजह से उन्हें फिल्में नहीं मिली, जिसके बाद रीना रॉय ने साल 2000 में एक्टिंग करियर को अलविदा ही कह दिया। तो वही अब बात करते हैं रश्मि देसाई के बारे में। रश्मि देसाई टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेसेस हैं। वो अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के लिए काफी जानी जाती हैं। रश्मि देसाई उत्तरन जैसे सुपरहिट सीरियल में काम कर चुकी हैं। उनके करियर में भी एक समय ऐसा आया था जब उनके बढ़ते वजन की वजह से उन्हें काम मिलना बंद हो गया था। इसके बाद वो काफी समय के लिए इंडस्ट्री से गायब हो गई थी। साल 2014 में उन्होंने अपना वजन कम करके बिग बॉस में एंट्री ली थी। इसके बाद फिर से रश्मि देसाई को काम मिलने लग गया। तो भैया बात करते जूही परमार के बारे में। जूही परमार को घर घर में कुमकुम के नाम से जाना जाता है। शादी के बाद जूही परमार का वजन काफी हद तक बढ़ गया, जिसके बाद उन्हें काम मिलना ही बंद हो गया था। सालों बाद जूही परमार ने टीवी सीरियल में वापसी तो की लेकिन उनके शो को दर्शकों ने खास पसंद नहीं किया। इसके बाद उनका सीरियल कुछ ही समय में ऑफ एयर हो गया। फिलहाल एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री से दूरी बना ली है लेकिन वो सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहती है। तो ये बात करते वहाबीज दुराबाजी के बारे में। टीवी एक्ट्रेस वहाबीज अक्सर अपने कर्वी फिगर को लेकर ट्रोल होती रहती हैं। अभिनेत्री थायराइड की मरीज है जिसकी वजह से वह अपना वजन कंट्रोल नहीं कर पाती है। वहाबीज को बहुत ही कम टीवी सीरियल में देखा गया है। आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों है। तो वही अब बात करते अंजलि आनंद के बारे में। टीवी इंडस्ट्री में अब अंजलि आनंद एक नया चेहरा है। अंजलि आनंद कई टीवी सीरियल्स में काम तो कर ही चुकी हैं। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत सीरियल 2.5 किलो की प्रेम से किया था। इस सीरियल में उन्होंने प्लस साइज महिला का किरदार निभाया था। इसके बाद वो कुल्फी कुमार बाजीवाला सीरियल में नजर आई थी लेकिन पिछले काफी समय से वो इंडस्ट्री से गायब है। अब बात करते चांदनी भगवानी के बारे में। चांदनी भगवानी टीवी जगत की जाना माना चेहरा है। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस से की थी। वो अपने एक्टिंग के साथ साथ अपने क्यूट स्माइल के लिए भी काफी जानी जाती हैं। लेकिन बढ़ते वजन की वजह से उन्हें भी काम मिलना बंद हो गया। पिछले काफी समय से वो इंडस्ट्री से काफी गायब भी है। तो वही बात करते रितिशा राठौड़ के बारे में। बड़ो बहू फेम रितिशा राठौड़ प्लस साइज एक्ट्रेस और मॉडल है। रितिशा ने बड़ो बहू सीरियल में मोटी लड़की का किरदार अदा किया था। उनके इस सीरियल को काफी ज्यादा पसंद किया गया था। इस सीरियल के ऑफ एयर होने के बाद रितिशा को कोई भी सीरियल में काम नहीं देखा गया है। वही कई बार इंटरव्यू में बोल ही चुकी कि उनके मोटापे की वजह से उन्हें काफी ट्रोल भी किया गया है। पिछले काफी समय में रितिशा भी टीवी इंडस्ट्री से गायब है। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में पतली और लंबी लड़कियों को अधिक महत्व दिया जाता है। वजन बढ़ने की वजह से कई एक्ट्रेस के करियर पर खतरा मंडराने लग जाता है। बढ़ते वजन की वजह से बहुत सी एक्ट्रेस को अपने एक्टिंग करियर को छोड़ना पड़ जाता है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो दोस्तों इसको लेकर क्या है आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले। बॉलीवुड में कई बेहतरीन टैलेंटेड सेलिब्रिटीज है जो न केवल उम्दा एक्टिंग करते हैं बल्कि वो वास्तव में एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन भी है। ये सेलेब्स पर्दे पर तो अपनी एक्टिंग का जादू चलाते है बल्कि सिंगिंग के मामले में भी किसी से पीछे नहीं है। आलिया भट्ट से लेकर श्रद्धा कपूर तक कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने सिर्फ फिल्मों में एक्टिंग की ही नहीं बल्कि फिल्मी गानों के लिए अपनी आवाज भी दी है। इनके एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग को भी फैंस भी उतना ही पसंद करते हैं। वेल यूं तो गाने का शौक अधिकतर लोगों को होता है लेकिन उसके साथ साथ सुर की समझ होना और सुरीली आवाज होना भी उतना ही जरूरी है। इन सेलेब्स को ये दोनों ही गुण गॉड गिफ्टेड है। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में जिनके एक्टिंग के साथ साथ उनकी आवाज को भी दर्शक उतना ही पसंद करते हैं। सबसे पहले बात करते बॉलीवुड एक्टर श्रद्धा कपूर के बारे में।
श्रद्धा कपूर बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक है। वो हर तरह के रोल में एकदम फिट बैठती हैं। उन्होंने अपनी ही दो फिल्मों के गाने में आवाज दी है। पहला आशिक फिल्म का गाना सुन रहा है तू ना, दूसरा फिल्म थी एक विलन जिसमें गलियां सॉन्ग को उन्होंने गाया था। ये दोनों ही गाना काफी ज्यादा पॉपुलर हुए थे। यकीनन श्रद्धा की आवाज बेहद ही सुरीली है। तो भैया बात करते बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट के बारे में। कपूर खानदान की नई बहू आलिया भट्ट भी एक मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस है। वो क्यूट फेस के साथ साथ सुरीली आवाज की भी स्वामी है। आलिया भी फिल्म में गाना गा चुकी है। उन्होंने ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान के साथ गाने की शुरुआत की है। किसी भी गायक के लिए एआर रहमान जैसे संगीतकार के साथ डेब्यू करना हमेशा ही बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने फिल्म हाईवे में साहा जैसा मधुर गीत गाया है। तो भैया बात करते हैं अमिताभ बच्चन के बारे में। बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन के मिलियनियम स्टार और लिविंग लेजेंड है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वो प्रतिभा के सागर है। एक बार भारी आवाज होने के कारण उन्हें ऑल इंडिया रेडियो द्वारा खारिज कर दिया गया था, लेकिन बाद में उनकी एक्टिंग और आवाज ने बॉलीवुड में अपना जलवा बिखेर दिया। उन्होंने एक या दो नहीं बल्कि कई फिल्मों के लिए गीत गाए हैं। फिर चाहे वो सिलसिले का रंग बरसे हो या फिर बागबान का ट्रैक मैं यहाँ तू वहाँ हो, बिग बी हमेशा ही अपने गायन से फैंस को प्रभावित करने में सक्षम रहे हैं। उनकी खूबसूरत आवाज पेशेवर गायकों को भी एक कॉम्प्लेक्स दे सकती है। तो वही बात करते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के बारे में। माधुरी दीक्षित अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता और बेहतरीन डांस के लिए काफी जाने जाती हैं। लेकिन संगीत का भी माधुरी दीक्षित को एक अच्छा समझ है। यहाँ तक कि उन्होंने फिल्म देवदास के एक गाने में न केवल शानदार डांस किया बल्कि उस गीत को अपनी आवाज दी है। माधुरी दीक्षित ने देवदास फिल्म में काहे छेड़ मोहे गीत को गाया है और इस गीत के जरिए उन्होंने अपनी शानदार आवाज से दुनिया का परिचय कराया है। इस गाने को सुनने के बाद लोग उनकी आवाज के भी कायल हो गए। उनकी आवाज, मुस्कान और नृत्य आज तक लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। तो ये बात करते श्रुति हसन के बारे में। श्रुति हसन महान अभिनेता कमल हासन और सागरिका की बेटी है। उन्होंने कई दक्षिण भारतीय फिल्मों में सफलता पाने के बाद बॉलीवुड में कदम रखा। श्रुति पर्दे पर तो कमाल करती हैं, लेकिन गायन में भी उन्हें विशेष लगाव है। ये कहा जाए कि वो एक गायिका ही पैदा हुई है तो गलत नहीं होगा। महज 6 साल की उम्र में श्रुति ने अपने पिता की फिल्म के लिए गीत देवर मगन गाया था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों के लिए गाना गाया और फिर अभिनय की दुनिया में कदम रखा। तो दोस्तों इसको लेकर क्या है आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले। भारत में सिनेमा का क्रेज हमेशा से रहा है। हम सभी किसी न किसी एक्टर को अपना दिल दे बैठते हैं। सभी की ख्वाहिश होती कि काश वो हमसे शादी कर ले। आप भी किसी स्टार के बड़े फैन तो जरूर होंगे और आप भी यही चाहते होंगे कि, लेकिन हर किसी को का ये सपना सच नहीं होता है। हालांकि बॉलीवुड में ऐसे कई सेलेब्स हैं जिन्होंने अपने फैंस से शादी रचाई है। तो चलिए जानते हैं इन स्टार्स के बारे में। सायरा बानो और दिलीप कुमार प्यार का मिसाल है। भले ही आज दिलीप कुमार सायरा बानो के साथ ना हो, लेकिन वो हमेशा उनके दिल में जिंदा रहेंगे। दोनों एक दूसरे का सुख दुख का में हमेशा साथ रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते कि सायरा बानो दिलीप कुमार की बेहद बड़ी फैन थी। वो सोते जागते केवल उन्हीं के सपने देखती थी और उन्होंने अपने सपने को हकीकत में साल 1966 में बदला जब दोनों 7 जन्मों के साथी बन गए। जब सायरा की शादी हुई तब वो महज 22 साल की थी और दिलीप कुमार 44 साल के थे। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार की ना उम्र होती है और ना ही कोई मजहब। ये बात दोनों के लिए एकदम सच साबित हुई। हालांकि बहुत लोगों को लगता था कि शादी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी, लेकिन प्यार की ताकत हर काम में संभव दे देती है। तो ये बात करते मुमताज और मयूर माधवानी के बारे में। मुमताज 70 के दशक की सबसे फेमस एक्ट्रेसेस में रह चुकी है। उनकी खूबसूरती के आज भी लोग दीवाने हैं। उन्होंने भी किसी स्टार से नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन से शादी की है। कहा जाता है कि वो उनके बेहद बड़े फैन थे। उन्होंने 1974 में मयूर माधवानी से शादी रचाई। हालांकि सभी लोगों को ये लगता था कि उन्होंने मुमताज से केवल सुंदरता के कारण शादी की है और ये रिश्ता लंबे समय तक चल नहीं पाएगा। तो वही बात करते हैं डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना के बारे में। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना उर्फ काका की एक्टिंग और लुक्स दिल हराने वालों की कमी नहीं है। हालांकि उन्होंने डिंपल कपाड़िया से शादी तो की थी जो कि उनकी फैन थी। उन्होंने जब शादी की थी तब डिंपल की उम्र केवल 16 साल की थी। हालांकि ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और दोनों 9 साल के बाद अलग हो गए। तो भैया बात करते शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के बारे में। शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड की सबसे फेमस एक्ट्रेस है। उनकी एक्टिंग और फैशन सेंस किसी दीवा से कम नहीं है। वो आज इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और फैंस को योगा के लिए प्रेरित कर रही हैं। उन्होंने साल 2009 में ब्रिटिश बिजनेसमैन राज कुंद्रा से शादी रचाई थी। बता दें कि राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी के डाई हार्ट फैन थे। दोनों की मुलाकात एक बिजनेस मीटिंग के दौरान हुई थी। तो वे विवेक ओबेरॉय और प्रियंका की बात करते हैं।
वेल दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबरॉय और ऐश्वर्या राय के रिश्ते के बारे में तो सब कुछ जग जाहिर ही है। हालांकि वो प्यार के मामले में इतने भी अनलक्की नहीं थे जितना उन्हें समझा गया है। उन्हें भी उनका प्यार मिला है। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी फैन प्रियंका से साल 2010 में शादी की। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले। शिल्पा शेट्टी उन एक्ट्रेसेस में एक है जिन्होंने सफल एक्टर होने के साथ साथ सफल बिजनेस वुमेन होने का काबिलियत भी साबित कर दिया है। चाहे उनकी पर्सनल वेबसाइट हो, चाहे फिटनेस के गोल्स हो, फिर चाहे अपने घर को संभालने की बात हो, शिल्पा हमेशा नंबर वन रहने की कोशिश करती है। जिस तरह से शिल्पा शेट्टी अपने काम और फिटनेस के लिए जानी जाती है, उसी तरह शिल्पा शेट्टी से जुड़ी कॉन्ट्रोवर्सी भी बहुत ज्यादा है। शिल्पा से जुड़ा एक विवाद तो 15 साल तक चला था। उन्हें आखिर में इसके लिए क्लीन चिट 2022 में मिली। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी में से एक है हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड गेरे के साथ जुड़ी कंट्रोवर्सी। साल 2007 में एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम में शिल्पा शेट्टी के साथ रिचर्ड गेरे भी थे। रिचर्ड ने स्टेज पर शिल्पा शेट्टी को 2 बार गले लगाया और किस भी किया। रिचर्ड और शिल्पा शेट्टी दोनों पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया गया था। 2022 जनवरी में ये फैसला आया कि शिल्पा शेट्टी इस केस में विक्टिम थी। तो वे बात करते शिल्पा शेट्टी और पुजारी का विवाद। मैं आपको बता दें कि साल 2009 में शिल्पा शेट्टी से एक जुड़ा एक और विवाद वायरल हो गया था। टीवी सीरियल महायात्रा की शूटिंग के दौरान शिल्पा शेट्टी सखी गोपाल मंदिर में गई थी। वहां पर शिल्पा को पुजारी ने किस कर लिया था और थोड़े ही समय में ये फोटो भी वायरल हो गई थी। शिल्पा ने इसे जस्टिफाई किया था कि क्या वो एक पिता अपनी बेटी को किस करे तो उसको लेकर कॉन्ट्रोवर्सी होनी चाहिए क्या। तो वही बात करते शिल्पा शेट्टी बिग ब्रदर फेस के बारे में। साल 2007 में शिल्पा शेट्टी के लिए बहुत ही ज्यादा विवाद से भरा रहा है। रिचर्ड गेरे के साथ साथ विवाद के पहले शिल्पा शेट्टी को हॉलीवुड शो बिग ब्रदर में वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर बुलाया गया था। उस दौरान शो के एक कंटेस्टेंट जेड गुड़ी ने बाकी लोगों के साथ मिलकर शिल्पा पर रेसिस्ट ताने कसे थे। इसका नतीजा ये हुआ कि शिल्पा ने उस शो में बतौर विजेता पब्लिसिटी हासिल की। शिल्पा और जेड गुड़ी का विवाद बहुत देर तक वायरल हुआ था। तो वही अब बात करते हैं शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के कंट्रोवर्सी के बारे में। बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा कुछ समय पहले पोर्नोग्राफी केस में फंसे थे। राज कुंद्रा के जेल जाते ही शिल्पा शेट्टी भी ट्रेंड करने लग गई थी और ऐसी बातें तक सामने आने लग गई थी कि शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा को तलाक देने का फैसला कर लिया है। आखिरकार ये सब कुछ अफवाह ही साबित हुई। राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी से जुड़ी साल 2015 में आईपीएल की सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग की कंट्रोवर्सी भी है, जिसके बाद साल 2015 में राज कुंद्रा पर सीरीज पर बैटिंग करने के लिए लाइफ टाइम बैन लग गया। शिल्पा शेट्टी को भी इस केस में घसीटा गया था। शिल्पा शेट्टी प्लास्टिक सर्जरी। शिल्पा शेट्टी के पहले और अब की तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल होती ही रहती हैं, लेकिन शिल्पा ने काफी समय तक प्लास्टिक सर्जरी की बात कबूल नहीं की थी। पर एक रिपोर्ट बताती है कि आखिरकार शिल्पा शेट्टी ने स्वीकार किया है कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। शिल्पा की इस बात को लेकर कई सारी बातें भी हुई थी कि आखिर में शिल्पा शेट्टी को सराहा गया था कि उन्होंने नाक की सर्जरी की बात को स्वीकार किया। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय, आप शिल्पा शेट्टी के कितने बड़े फैन हैं, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।